ये जो नरक बोते हो तुम लोग, हर साल नरक बोते हो, ये जितने आरसीबी के फैंस हैं, आप लोग बदतमीजी करते हो दूसरे लोगों से। पिछले मैच में आपने चेन्नई सुपर किंग्स जब हारी है, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस क्या बिगाड़ते हैं भैया आप लोगों का, या किसी भी टीम के फैंस क्या बिगाड़ते हैं? सब लोग चेयर करने जाते हैं, परफॉर्म करने जाते हैं अपने टीम के लिए, सब चेयर करते हैं। बाहर में मतलब लोग बदमाशी कर रहे थे स्टेडियम के बाहर, जिसकी येलो जर्सी देखी उसको परेशान कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, नाच रहे हैं। नाचो, अरे नाचो, नाचो ना नाचो। सबसे भारी लीडर जो है आपके विराट कोहली जी, उनकी आंखों में आंसू है, 16 साल हो गया नहीं पा पाए हैं, और आप उनके फैन हैं और किसके सामने किसको परेशान कर रहे हैं, जो कितने आईपीएल ट्रॉफी लिए बैठा, पांच, उसके फैंस को परेशान कर रहे हो, 5 आईपीएल ट्रॉफी, 3 आईसीसी ट्रॉफी। अरे भाई, क्रिकेट मैच जीतना हारना गेम का हिस्सा है, हो सकता है किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन जब आप लोग आधा तो विराट कोहली और आरसीबी अपने फैन से परेशान है, तुम लोगों ने नरक बो रखा है, तुम लोगों को सेलिब्रेट ही नहीं करने आता है यार। भाई सेलिब्रेशन किसी को परेशान करके नहीं हो सकता ना, सेलिब्रेशन में आप खुश हो सकते हैं, नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, लेकिन दूसरों को परेशान करें तब आपको मजा आता है कि पता नहीं क्या करते हो, क्या दुनिया बोते हो यार तुम लोग इंटरनेट पे, मैं तो देख के परेशान हो गया भाई। साधारण लड़के जो आराम से धोनी की जर्सी पहने हुए मैदान से बाहर आ रहे हैं, उनको लोग धर ले रहे हैं, देखना जा रहा, नाच रहे हैं, बहुत ज्यादा भावुक, उनके हाथ में सीएसके का झंडा छीन रहे हैं, जाओ झेलो, अरे झेलो, भागना मत, आज रोना मत, वहीं रहो। और राजस्थान वाले आज पुदीना बोएंगे, धनिया बोएंगे, देखो वो नहीं करेंगे ऐसा, जो नहीं तो वो वैसे नहीं, तो वो वैसे नहीं है ना राजस्थान रॉयल्स यार। भाई विराट कोहली कूदता है, इसीलिए कूदता है क्योंकि मैदान में खेल रहा होता है, हीट ऑफ द गेम में आदमी जोश में रहता है। तुम लोगों में काहे जोश है यार, तुम लोगों के जोश के कारण ऊपर से भगवान ने तय कर दिया कि ना ये लोग का तो लक्षण ही ठीक नहीं है, प्लेयर अच्छे हैं ये, टीम भी अच्छी है, ये जो तुम लोग धनिया बोते हो, लोगों को सोने नहीं देते हो, परेशान करते हो। भाई मुंबई इंडियंस के भी हमने फैंस देखे हैं, सीएसके के भी फैंस हैं, ये आरसीबी वाले अलग ही है। आरसीबी वालों का प्रकाश सर, आरसीबी वालों का तो समझ थोड़ा बहुत समझ में भी आता है भाई, 16 साल से कब क्या समझ में आता है, चाहते हो चाहने से नहीं मिलता है, भावुक फैंस है, भावुक फैंस तो दूसरों को परेशान करोगे, ठीक है वो एक दो इंसिडेंट, एक दो इंसिडेंट, हर साल ये लोग धनिया बोते हैं यार, यही काम करते हैं। अरे भाई दो लोग लड़े, कौन कौन लड़े पिछले साल, विराट कोहली और कौन था वो, ये था नवीन उलह। भाई पूरे सीरीज में उस लड़के जीने नहीं दिया, जो सीरीज छोड़ो बाद में वर्ल्ड कप खेलने आया उसमें भी, तो लेकिन वो तो गलती उसकी थी भाई, गलती उसकी थी। अरे यार तुम तो केवल इसलिए डर ले हो कि आरसीबी वाले हैं, अब कोई चीज का एक टाइम होता है ना कि हाँ इसके बाद अब ऐसे, तो गौतम गंभीर को भी बोलो फिर, आप गौतम फिर चले गए, यही है आरसीबी वाले भाई, मैं मुंबई वाला हूँ, तुम लोग 16 साल से हार रहे हो, हारे ही जा रहे हो, क्यों हार रहे हो ये कभी बैठ के देखोगे, सोचोगे कि कहाँ हार रहे हो, कि पाकिस्तान की तरह 4-4 बार भारत ने पाकिस्तान को मारा है युद्ध के मैदान में और वर्ल्ड कप के मैदान में तो जाने कितनी बार, लेकिन पाकिस्तानी सेना कभी नहीं कहती कि हमारे, वो कहते हैं जी हमारे मुजाहिद बड़े तेजी से लड़े, बहुत अच्छे से लड़े। तो आपके मुजाहिद चाहे जैसे लड़े, हर दुनिया जान रही है कि आप हारे हो, 16 बार हारे हो यार, तुम लोग धोनी की टीम के साथ बदतमीजी कर रहे हो, क्या मिला एक मैच पहले ये सब नरक बोया था, काटो अपनी बोई हुई फसल, काट सकोगे? कोई राजस्थान वाला वही बिहेवियर जो आप लोग कर रहे थे उस दिन चिन्ना स्वामी में मैच था, वो बिहेवियर जो आप लोग कर रहे थे, वही बिहेवियर अगर आज आपके साथ हो, आपके हारने पर हो, बर्दाश्त कर सकेंगे, झेल सकेंगे? झंडा छीने लोग, टी शर्ट छीने लोग, कर पाओगे ये सब, देखोगे? नहीं। लेकिन हाँ एक जीतेंगे तो बौरा जाएंगे, पगला जाएंगे भाई, हर बार बाहर हो जाते हो ऐसे। मैंने सोचा मैं क्रिकेट के साथ हूँ, क्रिकेट जो लोग अच्छा भाई अच्छा खेली राजस्थान, मैं सोचा और आप ये बताओ आज अगर आरसीबी जीत जाती ये लोग क्या नरक करते कि नहीं करते, आज कड़ी पत्ता बोल देते हैं,
भाई आज क्या करते तुम लोग, राजस्थान के शरीफ लौंडे हैं यार, वो सब ये सब नरक कर देते एकदम। ठीक है वो फैंस, अरे भाई फैंस कब समझोगे, कब समझोगे, आधा तो तुम लोगों की वजह से नहीं जीत पा रही है टीम। थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लाओ, थोड़ा सेंसिबल बनो, जैसे धोनी वाले हैं, जैसे रोहित वाले हैं। कप ऐसे नहीं आता भाई, कप ऐसे आता कि फैंस भी जितवाते हैं कप। पागलपन क्रिकेट फैंस में होता है, लेकिन पागलपन क्रिकेट के लिए होना चाहिए, अपने प्लेयर के लिए होना चाहिए, कि पागलपन हमको दिखाना दूसरे को परेशान करके, दूसरी टीम को नीचा दिखा के, और वो टीम जो अच्छा क्रिकेट खेल के जीती है या हारी है। लेकिन विराट कोहली के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, आरसीबी के जितने भी फैंस हैं उन्हें विराट कोहली के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, और मुझे लग रहा है प्रकाश सर आपको भी लग रहा होगा भाई। क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर है, बुरा लगता है। मैं तो बस फैंस की बात कर रहा हूँ जो ये लोग रिएक्शन देते हैं, ये ओवर रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं वो देखिए, मैं यहाँ पे आरसीबी के फैंस के साथ ही हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ के कूट दिया हो, करते हैं बाकी फैंस भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आरसीबी देखिए भाई, एक टीम हारी है, जो टीम हारी है उसका प्रशंसक अब घर जाना चाहता है, तुम रोक के उसको नाच रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, गए जाने नहीं देंगे, तो ऐसा तो हर कोई करता है। कौन करता भाई, ये कोई नॉर्मल चीज है क्या आ जाए कि तू आ रहा हो और तुझे खींच दूं मैं ऐसे। अरे तो वो चिन्नस्वामी लड़कियों के साथ किया है इन लोगों ने, चिन्नस्वामी के बाहर किया है ना। हाँ क्यों किया, उसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे, दोस्तों में ऐसा होता है, सब बेकार की दोस्तों में ऐसा होता है। आरसीबी वाले ही करते हैं, आप अभी देखिए, अभी तुम ट्विटर पे चले जाओ, जख्मों पर मरहम, मेरा काम थोड़ी है आरसीबी के जख्म पे मरहम, 16 साल के मरम है, हम लगा देंगे मरम तो कोई भर थोड़ी जाएगा, नमक भी तो ये भरता है तभी जब जीत जाते। नहीं मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, पिछले मैच में आप जाके सोशल मीडिया देख लो, इंटरनेट देख लो क्या कर रहे थे लोग। मैं चलो विजुअल तो कह रहा हूँ दोस्तों के भाई, जाके देखो इंटरनेट क्या कर रहे थे लोग। आज वो कर सकोगे, दिखाओ वही जुनून, वही पागलपन। अरे हार में क्या जीत, क्या न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर सकोगे तो जितनी दिलेरी और जितना पागलपन हारने पर दिखाते हो, जीतने पर दिखाते हो, वही पागलपन जरा हारने पर दिखाओ ना, जाओ नाचो उस टीम के सामने जो टीम जीती है, सारा मिजाज हरियर हो जाएगा, एकदम मिजाज दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन हाँ उस दिन धोनी की टीम को यार तुम लोग ऐसे किए, भगवान एक मैच बाद ही प्रसाद दे दिया, अब अगले साल आना आईपीएल में, जाओ हो गया। देखिए प्रकाश सर जो है ये सीएसके के फैन है, और इस वजह से ये सीएसके की टीम के साथ या सीएसके फैंस के साथ जो हुआ है, मुझे लग रहा है पर्सनली इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, बिल्डिंग के नीचे जब ये उतरे होंगे तो दो चार लोगों ने घेर लिया होगा आरसीबी के फैन वालों ने। बट मैं यहाँ पर आरसीबी के जो फैंस है उनका मतलब, अब देखिए फैंस हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत सारी चीजें करते हैं। बहरहाल मैच का पूरा हाईलाइट आपको दे देते हैं, ये एलिमिनेटर गेम था और ये मुकाबला खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 172 रन लगा दिए और 173 रन चेस करने थे भाई। इस मुकाबले में भाई संजू सैमसन का बल्ला नहीं चला, नहीं यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत अच्छी दिलाई, कोलर कैडमोर ने थोड़ी देर तक, यशस्वी जायसवाल ने 45 रनों की पारी खेली, आउट हो गए ध्रुव जुरेल। भाई ध्रुव जुरेल अगर ये मुकाबला हार जाती आरआर की टीम तो फिर इसमें मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ध्रुव जुरेल को ठहराता। अब भी वक्त है ध्रुव जुरेल, या तो संभल जाओ या तो इनको रिप्लेस कर दो। ध्रुव जुरेल जो है बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं बल्लेबाजी, लेकिन भाई तारीफ होनी चाहिए इस खिलाड़ी की तारीफ करिए रियान पराग की। ये मुकाबला अगर राजस्थान रॉयल्स जीतने में कामयाब हुई है तो इसके पीछे रियान पराग का बहुत बड़ा हाथ है, मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा हाथ रियान पराग का ही है। रियान पराग कंटिन्यूअसली लगातार हर मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगभग 600 रन इस सीजन लगा चुके हैं, तो भाई रियान पराग की तारीफ होनी चाहिए। रियान पराग ने जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की और मैच को बांधे रखा। मैच कहीं पर भी जब लग रहा था कि भाई ये मुकाबला आरसीबी की तरफ झुक सकता है, वहां पर रियान पराग खूंटा गाड़ कर खड़े थे, और रियान पराग की बल्लेबाजी के दम पर ही आप कह सकते हो कि इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई है राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर जो है क्वालिफायर टू में पहुंच चुकी है, अब फाइनल मुकाबले से एक कदम दूर है। क्वालिफायर टू मुकाबला खेला जाएगा 24 तारीख को, और ये मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में।
चेन्नई के चेपॉक में ये मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी आप कमेंट करके हमें बताइए, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी आप जरूर हमें बताइए। लेकिन मैच का लेखा जोखा आपको दे दे, मैच के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, बहुत देर तक ऐसा लग रहा था। हालांकि रियान पराग खड़े थे तो लगभग ये तय ही था कि भाई ये मुकाबला जीतने वाली है राजस्थान रॉयल्स, लेकिन भाई आरआर के जितने आरसीबी के जितने सपोर्टर हैं वो एक उम्मीद लिए बैठे थे कि भाई दिल में उनके एक उम्मीद थी कि भाई ये मुकाबला जीत जाएगी आरसीबी, शायद ये मुकाबला आरसीबी जीत जाएगी, लेकिन आरसीबी जीत ना सकी और कप जीतने का जो ख्वाब है वो ख्वाब फिर से ख्वाब ही बनकर रह गया है। आरसीबी कब जीतेगी, कब जीतेगी ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। 17 सीजन हो चुके हैं भाई, वनवास भी 14 साल में खत्म हो चुका था और लेकिन आरसीबी के जीत का जो वनवास है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो भाई आरसीबी के लिए बुरा लग रहा है, विराट कोहली के लिए बुरा लग रहा है, भाई सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है विराट कोहली के लिए, क्योंकि विराट कोहली आरसीबी भले डिजर्व करे ना करे, ये आप मेरे स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, आप शायद मेरे स्टेटमेंट या जो मैं कह रहा हूं उससे आप क्या कहते हैं एग्री करो ना करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई आरसीबी डिजर्व करे ना करे लेकिन विराट कोहली जरूर डिजर्व करते हैं। भाई लेजेंडरी प्लेयर है और कंटिन्यूअसली आरसीबी के लिए लगातार बल्लेबाजी करे, आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2008 से अब तक एक ही टीम के लिए खेले जा रहे हैं।